अस्सलामुअलैकुम आमिर, कल आप जिस वक्त बैटिंग करने आए 18 पे 5 आउट थे, क्या आपने सोचा था इतना बड़ा टारगेट था बोर्ड पे? बस यही सोचा था कि सारी कश्तियां वैसी जल चुकी हैं तो अब डूब जाओ, लेकिन डूबे तो हम थे ही थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इज्जत दी, कोशिश की हम कि जितना क्लोजर जा सकें टारगेट के उसके क्लोजर जा सकें हम, और जितने मार्जिन से हमने सोचा था कि हम हार रहे हैं लेकिन हम उस मार्जिन से हारे नहीं, मेरे ख्याल में 29 रन से हम हार गए थे, तो मेरे ख्याल में ये अच्छी अचीवमेंट थी, मेरे साथ जो भी खेल रहा था उन सब भी हमारी मिलकर जो एफर्ट थी वो अच्छी एफर्ट थी। बिल्कुल, एंड पे नेट रन रेट भी काम आ सकता है आपके, और 11 में आप उस तरह से इन एंड आउट हो रहे हैं, आपके अपने लिए ये परफॉर्मेंस कितनी ज़रूरी थी, क्योंकि लोग आपको लॉन्गर फॉर्मेट का खिलाड़ी कहते हैं, पर मेरे ख्याल से बहुत इस फॉर्मेट में भी आप बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मेरा डेब्यू जो पाकिस्तान के लिए होता है वो T20 में हुआ था, और मेरे ख्याल में डेब्यू मैन ऑफ द मैच भी था, मैच जितवाया भी था, तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लोगों का काम है क्रिटिसाइज करना भी, सम टाइम आपको टैग कर देते हैं कि लॉन्गर फॉर्मेट का है इसको वो नहीं है, लेकिन मैं बेसिकली मैं जो समझता हूँ मैं तीनों फॉर्मेट को देखता हूँ और उसके लिए ही होमवर्क करता रहता हूँ, जितना हो सकता है वो करता हूँ। और कल बड़ी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन आपने की थी, उसके बारे में कुछ बताएं। सेलिब्रेशन बेसिकली किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं थी, आई हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी जो कि बहुत नेगेटिव चीज़ें थी, इवन आप परफॉर्म भी करते हो उसके बावजूद भी आपके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मेरे ख्याल में सिर्फ आपको लेट डाउन करने के लिए होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान भी चमकानी होती है, वो दुकान में से अगर कोई चीज़ बेचना रही होती है तो फिर किसी एक को स्पेसिफिकली वो टारगेट करना शुरू कर देते हैं, तो बस हर दफ़ा मैं सोचता हूँ कोई नई चीज़ करने के लिए और वो मेरे ख्याल में एक नई चीज़ थी। चले, आपने अपने बैट से तो जवाब दिया है, बॉलिंग पे अगर थोड़ा सा आए, टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा जिस तरह की आपने बॉलिंग परफॉर्मेंस की, बैटिंग परफॉर्मेंस की, शॉर्टर फॉर्मेट में आपको क्या लगता है क्या चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हैं जिससे आपकी बॉलिंग इकोनॉमी बेहतर ज़रूर हो? विकेट्स तो ऑब्वियसली आप ले सकते हैं, पर इकोनॉमी के ऊपर कुछ खास सोचा है कि किस तरीके से काम कर सकते हैं? देखें, जिस तरह के पिंडी के पिचेस हैं और मेरे ख्याल में बाउंड्रीज को देखा जाए तो हमारा जो मेन होता है कि हम 4 ओवर में 40 तक भी हमारी जीत होती है इस तरह की बाउंड्रीज के ऊपर। मेरा इकोनॉमी रेट काफ़ी हाई है, क्योंकि मेरे ख्याल में मैं इकोनॉमी को मैं मोस्टली नहीं देखता अपनी, जो कि देखना चाहिए, मैं सिर्फ विकेट टेकिंग ऑप्शंस के लिए देखता हूँ जिसमें मुझे बाउंड्रीज भी होती हैं, और जब आप जब भी आउट करने के लिए जाते हैं तो मेरे ख्याल में आपको रन ऑब्वियसली पड़ते हैं, वहीं पर आपका चांस होता है कि आप आउट कर सकें, लेकिन इंशाल्लाह लेटर ऑन, अभी तो टोटल मेरे ख्याल में 10 मैच भी नहीं हुए, तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह मैं इस पर काम करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, जज़ाकअल्लाह।